इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पे आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मुद्रा के उद्भव, मुद्रा के वर्गीकरण और मुद्रा की परिभाषा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मुद्रा आर्थिक साहित्य में एक प्रकार से कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। जी क्राउथर, जो मौद्रिक अर्थशास्त्र के बहुत ही महान अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में एन आउट लाइन ऑफ मनी में लिखा है कि जिस प्रकार से मैकेनिक्स में या यंत्र कला में पहिए का आविष्कार हुआ, जिस प्रकार से साइंस में अग्नि या फायर का आविष्कार हुआ और जिस प्रकार से राजनीति में वोटिंग पावर या वोट का आविष्कार हुआ, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में मुद्रा भी एक आविष्कार के रूप में सृजित हुई और बिना मुद्रा के अर्थशास्त्र को पढ़ पाना और आर्थिक समस्याओं की व्याख्या कर पाना एक प्रकार से असंभव सा है। यदि हम मुद्रा के उद्भव और विकास की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मुद्रा का जो आविर्भाव हुआ या मुद्रा की जो खोज हुई, वो एक प्रकार से वस्तु विनिमय, जो बार्टर सिस्टम है एक्सचेंज के विनिमय की, उसकी कठिनाइयों के कारण। जब आर्थिक विकास की एक तरह से प्रारंभिक अवस्था में समाज था और एक प्रकार से यदि हम ये देखें कि मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में था, तो वह अलग अलग परिवारों में बिखरा हुआ था और पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता था और जो कुछ वो मिलता था उसको प्रकृति से, उसी से अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे मनुष्य सभ्य हुआ और उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती गई और वह पारिवारिक स्तर से धीरे धीरे बड़े रूप में, छोटे छोटे समाजों के रूप में विकसित हुआ और इस प्रकार से मनुष्य समाज में रहने लगा। और जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे सामाजिक विकास हुआ, वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी और साथ ही साथ एक और काम हुआ, और वो ये कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की स्थितियां उत्पन्न हुई और अभिव्यक्ति उन कार्यों को करने लगा जिन कार्यों में वो ज़्यादा निपुण था, और इस प्रकार से एक तरह से कार्यों का बंटवारा समाज के मध्य हो गया। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं और इसलिए उनको एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी और यहीं से वस्तु विनिमय का जन्म हुआ। मनुष्य अपने द्वारा उत्पादित वस्तु से किसी दूसरे द्वारा उत्पादित वस्तु को प्राप्त करने की उसको आवश्यकता हुई और उस रूप में वस्तुओं के द्वारा वस्तुओं का विनिमय प्रारंभ हुआ, जिसे हम लोग वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन हमने देखा कि बार्टर सिस्टम में कई सारी दिक्कतें थीं। सबसे पहले ये कि जिस वस्तु को हम किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं या जिस व्यक्ति से हम कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वह उस वस्तु को लेने के लिए तैयार है,
और ऐसी स्थिति में कहा गया कि अगर ऐसा न हो तो इसी को कहा जाता है कि दोहरे संपात का अभाव था, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस था। इसका मतलब हुआ कि जब तक एक की वस्तु दूसरा लेने के लिए तैयार न हो तब तक वस्तु विनिमय प्रणाली काम नहीं कर सकती। दूसरा ये था कि वस्तु का मूल्यांकन कैसे हो, किस वस्तु के बदले में दूसरी कितनी वस्तु दी जानी चाहिए या दी जाए, कैसे विनिमय हो, और यह हर वस्तु के लिए अलग अलग निर्धारित कर पाना मुश्किल काम था। और ये एक तरह के इस प्रकार से वस्तु के मूल्य के मापन की वहाँ बड़ी समस्या थी। तीसरा ये था कि वस्तुएँ विभाज्य कैसे हों, किसी की वस्तु की मात्रा बड़ी है और किसी की बहुत छोटी है, और ऐसी स्थिति में बड़ी वस्तु को छोटा करने में या तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी या तो उसका मूल्य घट जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये भी कठिनाई थी कि वस्तुओं को विभाजन नहीं किया जा सकता था, या विभाज्य जब नहीं होती थी तो इन वस्तुओं से दूसरी वस्तुएं प्राप्त कर पाना थोड़ा कठिन होता था। और एक और बड़ी दिक्कत थी कि वस्तुओं की जो वहनीयता थी, गतिशीलता थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो भी एक कठिन काम था। तो ऐसी स्थिति में एक आवश्यकता महसूस हुई कि कोई एक ऐसा सामान्य कोई ऐसी वस्तु ढूंढी जाए जिसमें सभी वस्तुओं के मूल्यों को मापा जा सके, और इस रूप में वस्तु की मात्रा को विभाजित किया जा सके छोटी छोटी इकाइयों के रूप में, ताकि प्रत्येक वस्तु चाहे वो छोटी हो बड़ी हो इसके माध्यम से उसे प्राप्त किया जा सके। और इस प्रक्रिया में पहले जब आज की जो वर्तमान मुद्राएं हैं उनका विकास नहीं हुआ था, वैसे स्थिति में अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जिस वस्तु की उपलब्धता जैसी थी, जहाँ जैसा सुविधाजनक था, वैसी स्थितियों में वस्तुओं को ही मुद्रा का रूप दिया गया। और जिस किसी भी वस्तु को जिस क्षेत्र में एक तरह से प्रतिनिधि वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया, और उसी के माध्यम से अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाने लगा। तो अपने प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा जो है वो वस्तु मुद्रा थी, कमोडिटी मनी थी, और वस्तु के माध्यम से ही उसको मुद्रा मान करके और सारी वस्तुओं को उसकी उसी वस्तु के रूप में मापित करके मूल्यांकित करके आदान प्रदान किए जाते थे। इस रूप में कोई भी वस्तु, चाहे गेहूं ले लें, चाहे चावल ले लें, चाहे चाय ले लें, चाहे कुछ इस रूप में जैसा भी जहां की आवश्यकताएं रही हों उस रूप में जैसी जहां वस्तुएं उत्पादित होती रहीं उस तरह से ये वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयुक्त हुई। बाद में कई बार ऐसा भी हुआ कि आदिम समाजों में कि पशुओं को वस्तु मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया, और चाहे हम बकरी ले लें, गोट्स को, चाहे हम मुर्गियों को ले लें, चाहे हम गाय को ले लें, इस रूप में इनको भी मुद्रा के रूप में आदिम स्थितियों में प्रयुक्त किया गया। तो इस प्रकार से एक तरह से वस्तु मुद्रा या पशु मुद्रा जो एक तरह से अब एक ऐतिहासिक तत्व सा रह गया है उसको हम मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज विकसित हुआ, धातुओं की खोज हुई, और तब ये पाया गया कि धातुएं एक ऐसी वस्तु हैं जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, और जिनको हम एक तरह से ढलाई करके एक विशेष रूप या विशेष आकार दे सकते हैं, छोटा बड़ा जिस भी रूप में, और इस रूप में इनको हम क्योंकि ये पूर्णतया विभाज्य होंगे छोटी छोटी इकाइयों में, हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं, और इस प्रकार से इनके माध्यम से हम दूसरी वस्तुओं को चाहे कितनी भी वो छोटी हों प्राप्त किए कर सकते हैं। और इस रूप में तीसरे चरण में जो है वो धातु मुद्रा का एक तरह से आविष्कार हुआ, और जहाँ पर जैसी जिस धातु की उपलब्धता रही उस रूप में उनके
एक तरह से मैंने कहा कि जैसे उन टुकड़ों से सिक्के बना बना के हमने उनको उस रूप में उपयोग में लाना प्रारंभ किया। और अपने अंतिम चरण में जो मुद्रा है वो पत्र मुद्रा के रूप में हमारे समक्ष आई। और अभी हम जब वर्गीकरण करेंगे मुद्रा का, तो हम इन मुद्राओं के बारे में और मुख्य तौर पर धातु मुद्रा जो मेटेलिक मनी है और जो पेपर मनी है उसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ केवल ये दिखाने का प्रयास किया कि जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, जैसे जैसे आर्थिक विकास तीव्र हुआ, जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ी, जैसे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण व्यक्तियों ने विशेषज्ञता की और अलग अलग वस्तुएँ उत्पादित करना शुरू किया, और फिर आवश्यकताओं के बढ़ने पर परस्पर विनिमय कार्य प्रारंभ हुआ और वस्तु विनिमय में ढेर सारी दिक्कतें आईं और तदनुरूप मुद्रा का एक तरह से आविष्कार हुआ। और क्रमशः और जो हमारे महत्व का है वो है कि धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा के रूप में मुद्रा का सृजन हुआ, और पत्र मुद्रा ही इस समय विश्व में एक तरह से प्रचलित है। तो आदिम काल से लेकर आज तक जो स्थितियां रही हैं और जिस प्रकार से मुद्रा का विकास हुआ है, उसमें धातुओं में जो मुख्य ज़्यादा मूल्य वाली आप मुद्रा थी उनको बहुमूल्य धातुओं के रूप में रखा गया, जैसे स्वर्ण में या सिल्वर में इनको सिक्कों का आकार दिया गया, और जो छोटे सिक्के होते थे उनको सस्ती धातुओं, चाहे वो तांबा हो, लोहा हो, या इस तरह से अल्मीनियम हो, जैसे भी हो, इनको सस्ती धातुओं से बनाया गया। अभी हम इनके मूल्यों के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे कि उनका मूल्य कितना था और धातु की मात्रा कितनी थी, वो सब जब वर्गीकरण करेंगे तो ऐसी स्थिति में वहाँ हम इसको देख लेंगे। यहाँ पर अब हम दूसरे चरण पर आते हैं और मुद्रा की परिभाषा करने का प्रयास करते हैं। और जब किसी भी की हम परिभाषा देते हैं तो उन परिभाषाओं को हम कई विद्वानों या विशेषज्ञों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो विशेषज्ञ होते हैं वो विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। कुछ किसी विशेष पहलू पर ध्यान देते हैं, कुछ अन्य किसी दूसरे पहलू पर ध्यान देते हैं। और जब हम इन सारी परिभाषाओं को बताते हैं और उनका निचोड़ या निष्कर्ष निकालते हैं, तो वे सारे पहलू हमारे समक्ष आ जाते हैं जिनकी हम परिभाषा करते हैं। और मुद्रा की परिभाषा को भी हम इसी संदर्भ में यहाँ लेने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और हम आपको ध्यान दिला दें कि मुद्रा की जब हम परिभाषा देंगे या मुद्रा के देते हैं या मुद्रा के बारे में बताते हैं, तो वैसी स्थिति में कई चीज़ें हमारे समक्ष होनी चाहिए। और मुख्य तौर पर हम ये ध्यान दें कि मुद्रा एक प्रकार से धातु की है या पत्र मुद्रा है, एक निश्चित आकार की है, एक निश्चित मूल्य वर्ग की होती हैं, कई डिनोमिनेशंस के मुद्राएं होती हैं। वैसी स्थिति में ये मुद्रा है क्या? और वैसी स्थिति में जब हम मुद्रा की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मुद्रा एक ऐसी कोई चीज है जिससे हम वस्तुएं खरीदते हैं, सेवाएं खरीदते हैं। तो एक तरह से हुआ क्या कि बिना इसके वस्तुओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता, अगर वस्तु विनिमय नहीं हो रहा है तो वैसे स्थिति में मुद्रा के माध्यम से हम विनिमय कार्य करते हैं, वस्तुओं का हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में होता है मुद्रा के माध्यम से। अब दूसरी बात यह होती है कि मुद्रा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु क्यों देगा या लेगा, अर्थात विनिमय क्यों होता है मुद्रा के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर मुद्रा में ऐसी कोई खास चीज होगी जिनके कारण ऐसा होगा, और वो जो कार्य है
मुद्रा में वो कौन सी चीज है। तो वैसे स्थिति में हम देखते हैं कि मुद्रा में एक ऐसी शक्ति है जिसको हम परचेजिंग पावर कहते हैं, क्रय शक्ति कहते हैं। अर्थात मुद्रा में कोई एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से दूसरा व्यक्ति उसे लेकर वस्तु देने के लिए तैयार हो जाता है। और वो गुण वही होगा कि मुद्रा, उस मुद्रा से वह जिस भी वस्तु को खरीदना चाहे वो उसे मिल जाएगी, क्योंकि मुद्रा में परचेजिंग पावर है, वस्तुओं के खरीदने की शक्ति है। तो इसी को हम कहते हैं कि मुद्रा में लिक्विडिटी होती है। और लिक्विडिटी का अर्थ ये होता है कि जब कभी भी हम इस मुद्रा को किसी दूसरे व्यक्ति को देकर उससे कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो वो उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है विनिमय के माध्यम के रूप में। और यदि ऐसा है तो मुद्रा का ये गुण जो उसमें परचेजिंग पावर है, जो उसमें लिक्विडिटी है, वो उसी को हम दूसरे भाषा में कहते हैं उसमें मूल्यों का संचय करने की शक्ति है। अर्थात मुद्रा में एक ऐसा गुण है जो उसके अंदर है और उस गुण के कारण जो लिक्विडिटी या क्रय शक्ति का गुण है उसके कारण कोई भी व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है। तो मुद्रा में क्या होगा, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, उसको सामान्य स्वीकृति है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। और एक्सेप्ट इसलिए कर लेता है क्योंकि मुद्रा में क्रय शक्ति है, मुद्रा में लिक्विडिटी है और मुद्रा में मूल्यों के मापने की शक्ति है। अर्थात मुद्रा के माध्यम से हम मापते हैं कि कितनी वस्तु इस मुद्रा से प्राप्त की जा सकती है। और इस चीज को मुद्रा जो है माप सकती है प्रत्येक वस्तु को। और इस रूप में मुद्रा से कोई भी वस्तु कितनी प्राप्त होगी ये मुद्रा ये कार्य कर देती है। और इसलिए मुद्रा जो है विनिमय के माध्यम के रूप में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर ली जाती है उनमें, क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू या मूल्य संचय की शक्ति है, क्योंकि उसमें वस्तुओं के मूल्यों के मापने की शक्ति है। और ये जो शक्ति है वो एक तरह से मुद्रा का जो मूल्य होता है वो सामान्य तौर पर अन्य वस्तुओं की तुलना में स्थिर होता है। मुद्रा ऐसी होती है जो ड्यूरेबिलिटी, जिसमें ड्यूरेबिलिटी होती है। अन्य वस्तुओं को हम बहुत दिनों तक संचित रखें तो उसमें नष्ट होने का डर होता है, उनके मूल्य में परिवर्तन होने का डर होता है। और सारा मेरे कहने का अर्थ यह है कि मुद्रा इसी दृष्टि से सामान्य विनिमय के माध्यम के रूप में लोगों द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। तो इसी को हम मुद्रा कहते हैं। और इसी सारी चीज़ों को अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरह से व्यक्त किया है। मुद्रा की करीब 5 या 6 परिभाषाएं जो हैं हमने डिस्क्रिप्शन में लिखी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे। हम उनकी व्याख्या आपको करके बता दे रहे हैं। और इस रूप में एक परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं और वो परिभाषा है D.H. रॉबर्टसन की। रॉबर्टसन भी मुद्रा के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स, कोई भी वस्तु जिसे हम विनिमय के माध्यम के रूप में एक्सेप्ट करते हैं वस्तुओं को खरीदने के लिए और उसके संदर्भ में पेमेंट या भुगतान करने के लिए, और आर इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशंस इज कॉल्ड मनी। सीधा सा मतलब है कि वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो भुगतान हम करते हैं, जिस रूप में भुगतान करते हैं, मुद्रा के रूप में करते हैं, वो मुद्रा है। या मुद्रा को हम किसी भी व्यापारिक जो हमारी वचनबद्धता है, ऑब्लिगेशंस हैं, या जो हमारा दायित्व है उसको पूरा करने के लिए जब हम इसका भुगतान करते हैं तो
तो जिस रूप में हम ये भुगतान करते हैं वो मुद्रा है। तो मुद्रा एक तरह से इस रूप में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। एक अर्थशास्त्री हैं कैंट, ये सारी परिभाषाएं डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। मनी इज एनीथिंग, मनी मुद्रा कोई भी ऐसी चीज मुद्रा कही जा सकती है विच इज कॉमनली यूज एंड जनरली एक्सेप्टेड, सामान्य तौर पर जिनका हम उपयोग करते हैं और जिन्हें सामान्यतः लोग स्वीकार कर लेते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम के रूप में, और एज ए स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू का मतलब है मूल्यों को मापने के रूप में, अर्थात मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं के मूल्यों को मापते हैं और मुद्रा को हम विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ऐसे किसी भी चीज को हम मुद्रा कह सकते हैं जो ये दोनों कार्य संपादित करती है। जॉन मेनार्ड केन्स बहुत बड़े आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने मुद्रा की एक परिभाषा दी और कहा कि मनी इज दैट, मुद्रा वो है बाय द डिलीवरी ऑफ विच, अर्थात जिसको हम देकर क्या करते हैं, डेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मूल्य के हमारे वो संविदाएं हैं मतलब, और जो वो डेट या ऋण के जो हमारे एक तरह से एप्लीकेशंस हैं, अर्थात जब हम ऋण लेते हैं या जब हम वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं, वैसी स्थिति में मुद्रा के माध्यम से हम इनका भुगतान करते हैं। और एंड इन द शेप ऑफ विच ये स्टोर ऑफ जनरल परचेजिंग पावर इज हेल्ड, और जिस रूप में हम क्रय शक्ति को स्टोर करते हैं, तो एक तरह से स्टोर ऑफ वैल्यू जो है उस रूप में ऐसी कोई भी चीज जिससे ये कार्य हम करते हैं उसे हम मुद्रा कह सकते हैं। तो मुद्रा क्या करेगी, डेट कॉन्ट्रैक्ट्स को, अर्थात अगर हमने किसी से ऋण लिया हुआ है तो हम मुद्रा से उसका भुगतान कर देंगे, यदि हम किसी से कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करते हैं तो मुद्रा भुगतान करके उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और इस मुद्रा में क्रय शक्ति को स्टोर करने की क्षमता भी होगी इस वस्तु में, तो ऐसी वस्तु को हम मुद्रा कहते हैं। एक अर्थशास्त्री हैं एली, और एली ने भी लिखा है कि मनी इज एनीथिंग दैट पॉसेज फ्रीली फ्रॉम हैंड टू हैंड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसी मुद्रा उस वस्तु को कह सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है और इसके माध्यम से विनिमय कार्य संपादित होते हैं। एंड जनरली रिसीव्ड इन फाइनल डिस्चार्ज ऑफ डेट, और ये ऋणों के भुगतान के संदर्भ में भी अंतिम तौर पर इसे हम प्रयुक्त करते हैं। तो इन सारी परिभाषाओं में जब हम देखेंगे तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये, विनिमय का माध्यम है, हम कहते हैं कि इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू की शक्ति होती है, क्रय शक्ति को या मुद्रा के वस्तुओं के मूल्यों को मापने की क्षमता इसमें होती है, और ऐसी कोई भी वस्तु जो इस रूप में हो उसको हम मुद्रा कह सकते हैं। और अब जी क्राउथर की भी परिभाषा हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, और वो है एनी थिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम के रूप में, और एज ए मीन्स ऑफ सेटलिंग डेट्स, और ऋणों के समाधान के संदर्भ में, जिस किसी भी चीज से हम ऋणों का भुगतान करते हैं, जिस किसी भी चीज से हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं उसको हम मुद्रा कह सकते हैं। एंड विच एट द सेम टाइम एक्ट्स एज ए मेजर एंड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, और इस परिभाषा में दो और चीजों को उन्होंने जोड़ दिया कि साथ ही साथ मुद्रा का और क्या करती है, इस रूप में कार्य करती है कि वो वैल्यू का मेजर करती है, वस्तुओं के मूल्यों का मापन करती है, और इसमें वैल्यू को स्टोर करने की क्षमता होती है, और यही सारी बातें ऊपर की सभी परिभाषाओं में किसी में किसी के दो कार्य को, किसी में एक कार्य को, और इस रूप में अगर हम जी क्राउथर की परिभाषा देखें तो इसमें समग्र रूप में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में और ऋणों के दायित्व के निपटाने के संदर्भ में, अर्थात ऋणों के भुगतान के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है, और जिसमें
मूल्यों को संचित करने की शक्ति होती है और जिसके माध्यम से मूल्यों को मापा जा सकता है, ऐसी किसी भी वस्तु को हम मुद्रा कहते हैं। तो ये रहा विनिमय, ये मुद्रा की परिभाषा। और एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये वाकर जिन्होंने ये कहा कि मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने तो मुद्रा के कुछ कार्यों को यहाँ पर जो उसके प्रमुख कार्य हैं उनको ऊपर की सभी परिभाषाओं में प्रस्तुत करने का हमने देखा कि अर्थशास्त्रियों ने उस पर ध्यान दिया। और इस रूप में वाकर सीधे कहते हैं कि मुद्रा के जितने भी कार्य हों, जो भी वस्तु उसको संपादित करती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। और इस प्रकार से मुद्रा की परिभाषा जो है मुख्यतः मुद्रा के उन समस्त कार्यों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है जो मुद्रा के माध्यम से किए जाते हैं। तो अभी अब तक हम लोग मुद्रा के बारे में या उसके अर्थ के बारे में निश्चित तौर पर जान चुके हैं और अब उसका कुछ पहलू अभी अधूरा रह गया है, जो जब हम उसका वर्गीकरण करेंगे तो उसके माध्यम से हमारे समक्ष आ जाएगा। और अब हम आते हैं मुद्रा के वर्गीकरण पर, क्लासिफिकेशंस पर। तो अभी जब हम मुद्रा के उद्भव का अध्ययन कर रहे थे तो एक आधार पर मुद्रा को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात एक वर्गीकरण, अलग अलग आधारों पर ये वर्गीकरण किए जाएंगे और इस रूप में मुद्रा के अलग अलग पहलू हमारे सामने समक्ष आ जाएंगे। तो मुद्रा का जो एक वर्गीकरण है वो हम इस आधार पर कर रहे हैं कि मुद्रा जो है वो जो किस वस्तु की बनी हुई है। और इस आधार पर जब हम कहते हैं तो मुद्रा को हम चार भागों में बांटते हैं। आदिम प्रारंभिक स्थिति में हमने कहा था कि वस्तु मुद्रा, कमोडिटी मनी, जिसका मतलब है कि कोई भी वस्तु जिसको हम मुद्रा मान लें और उसके माध्यम से या उसी वस्तु के रूप में अन्य वस्तुओं के मूल्यों को मूल्यांकित करें, मापें और इसी रूप में एक दूसरी वस्तुओं को हम एक दूसरे से विनिमय करें। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि गेहूं को हम मुद्रा मान लें और इस आधार पर हम ये तय करें कि एक किलो गेहूं बराबर होता है आधा किलो चावल, बराबर होता है 250 दाल, तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि गेहूं को अगर हम मुद्रा माने तो गेहूं के रूप में ही सभी वस्तुओं को हम मूल्यांकित करेंगे और इस आधार पर गेहूं की किसी मात्रा के लिए चावल की कितनी मात्रा होगी, दाल की कितनी मात्रा होगी। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर एक किलो गेहूं बराबर आधा किलो चावल है और 250 ग्राम दाल है तो हम कह सकते हैं कि 250 ग्राम दाल के बदले में आधा किलो चावल हमको मिलेगा या एक किलो दाल के बदले में 2 किलो चावल मिलेगा। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु के रूप में हम मुद्रा को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसी रूप में इसको हम कहते हैं कमोडिटी मनी। और जब हम एनिमल्स का प्रयोग मुद्रा के रूप में करते हैं तो हम इसको कहते हैं ये एनिमल मनी है। तो एक तरह से दोनों चीज़ें अब ऐतिहासिक हो गई हैं। और तीसरे स्थिति में आती हैं मेटैलिक मनी, जो धात्विक मुद्रा है, धातु की बनी हुई मुद्रा है। ये सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, किसी और धातु की, तांबे की हो सकती है, जस्ते की हो सकती है, अल्मीनियम, किसी भी हो, जब ऐसी होती है तो हम इसको धात्विक मनी कहते हैं। और अंतिम आ गई हमारी पेपर मनी, जो पत्र मुद्रा होती है। और इस रूप में हम इसको विभाजित करते हैं। अब तो प्लास्टिक मनी भी आ गई, जिसको हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से ये इस रूप में ये जो है मुद्रा होती है, एक वर्गीकरण इस रूप में हम कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हमारे सारे जो मुद्रा हैं वो मुख्यतः धात्विक मुद्रा और पत्र मुद्रा के रूप में हम देखते हैं। और धात्विक मुद्रा इस रूप में कि उसी के आधार पर पत्र मुद्रा का निर्गमन हुआ है। और इस रूप में इन दोनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो
जो धात्विक मुद्रा होती है उनमें दो तरह की मुद्राएं होती हैं। एक ऐसी मुद्रा होती है, और इस मुद्रा को हम इस रूप में विभाजित कर रहे हैं कि जो मुद्रा है जिस किसी भी धातु में बनी है उस मुद्रा में जितनी धातु लगी है उसका मूल्य कितना है, अर्थात जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कमोडिटी के रूप में कितनी है, और मुद्रा का मूल्य मुद्रा कितने की है उसकी एक फेस वैल्यू होती है। जैसे हम ये कहते हैं कि एक सिक्का है, मान लीजिए वो चांदी का है या सोने का है, और हम ये कहते हैं कि ये 100 रुपये का है, तो हम कहते हैं रुपया, ये जो रुपया है उसका लिखित मूल्य है, फेस वैल्यू है, ये उसका मुद्रा के रूप में मूल्य है, और जिस धातु की ये बनी है धातु का कितना मूल्य है वो उसका कमोडिटी वैल्यू है। और अगर दोनों वैल्यू बराबर हों, अर्थात जितने मूल्य की धातु लगी है उस मुद्रा में उतने ही मूल्य उस मुद्रा का भी हो, तो ये कहा जाएगा कि दोनों मूल्य बराबर हैं, और जो फेस वैल्यू है जो मुद्रा पर अंकित मूल्य है वो, और जो उसकी आंतरिक वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, जो आंतरिक मूल्य है वो, तो दोनों बराबर हों तो हम इसे कहते हैं ये स्टैंडर्ड मनी है, ये प्रामाणिक मुद्रा है, या हम इसको कहते हैं ये फुल बॉडीड मनी है, जिसका मतलब होता है कि पूर्ण मूल्य मुद्रा है, अर्थात मुद्रा का वस्तु के रूप में जितना मूल्य है वही मूल्य उसका फेस वैल्यू भी है। और ऐसी अगर कोई मुद्रा हो जिस मुद्रा का दोनों मूल्य बराबर हो तो हम उसे प्रामाणिक मुद्रा कहते हैं, स्टैंडर्ड मनी कहते हैं, या हम इसे पूर्ण मूल्य मुद्रा कहते हैं, फुल बॉडीड मनी कहते हैं, और ये धात्विक मुद्रा होगी। और ऐसी अगर कोई मुद्रा हो कि उसका जो वास्तविक मूल्य है या जो आप कह सकते हैं जो उसका आंतरिक मूल्य है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, जितने की वो धातु है उसका फेस वैल्यू जो है ज़्यादा हो और उसका वास्तविक मूल्य जो है कम हो, तो हम इसको कहते हैं टोकन मनी, सांकेतिक मुद्रा। तो इस प्रकार से प्रामाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा दो तरह के धातुओं के मुद्राएं हो सकती हैं। सामान्य तौर पर जो छोटी इकाइयां होती हैं मुद्रा की उनको हम सस्ती धातुओं से बनाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि धातु का मूल्य कम होता है और उस पर अंकित मूल्य ज़्यादा होता है, ऐसे को हम सांकेतिक मुद्रा का नाम देते हैं। तो धातु की मुद्राओं को इस दो भागों में हम इस रूप में बांटते हैं। और तो इस प्रकार से जैसे हमने कहा ना, अब आइए तीसरी जो मनी होती है वो पत्र मुद्रा होती है। पत्र मुद्रा का मतलब ये हुआ कि विकास के साथ ऐसा हुआ कि मुद्राएं घटती बढ़ती रहीं, और ये पाया गया कि धातुओं की मात्रा कम हो जा रही है, और वैसी स्थिति में हमने उनके स्थान पर पत्र मुद्रा का निर्गमन किया, और पत्र मुद्रा को निर्गमित किया गया, और पत्र मुद्रा जितने की है उतने की धातु को, सोने या चांदी को हमने संचित किया स्टोर में, और उनके अगेंस्ट पत्र मुद्रा बाजार में लाई गई। तो ऐसी स्थिति में कई स्थितियां हुई कि ये जो पत्र मुद्रा है वो एक तो फुल बॉडीड मनी के रूप में आई, और जो धातुक मुद्राएं थी, और दूसरी हुई रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड पेपर मनी। इसका मतलब है कि पेपर मनी होगी, लेकिन जितनी पेपर मनी होगी पत्र मुद्रा ठीक उसके मूल्य के बराबर सोना या चांदी या जो भी बहुमूल्य धातु है वो सरकार रिजर्व में रखेगी, उसके अगेंस्ट ही मुद्रा बाजार में आएगी। और इस प्रकार से कई दिक्कतें जो ढोने की कठिनाई, चोरी की कठिनाई और बहनीयता, ये सारी चीज़ें इससे सुलभ हो जाएंगी, इस नाते पेपर मुद्रा इस रूप में बाजार में आई। और ये पेपर मुद्रा दो तरह की हुई, एक कन्वर्टिबल हुई, एक इनकन्वर्टिबल हुई। कन्वर्टिबल का मतलब ये हुआ कि अगर उस कागजी मुद्रा को आप सरकार को दें तो, और उसके बदले में जितना आप
उसका मूल्य है उतना आपको धातु मुद्राएं या धातु प्राप्त हो सकती हैं। तो और एक ऐसी हुई जिसमें ऐसा नहीं होगा, केवल वो विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करेगी, लेकिन उसके बदले में आपको धातु या सोना या चांदी या इसके सिक्के नहीं दिए जाएंगे, बल्कि वो विनिमय के माध्यम के रूप में आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। और इसी रूप में एक क्रेडिट मनी आई। क्रेडिट मनी का मतलब ये हुआ कि जिसका मूल्य बाजार फेस वैल्यू ज़्यादा है और वो जो है उसका आंतरिक मूल्य जो है कम है, और उस रूप में ये टोकन कॉइन्स आए। जैसा कि सिक्कों के बारे में हमने बताया कि सिक्के का वास्तविक मूल्य कम है और जो मूल्य है फेस वैल्यू है वो ज़्यादा है। और इसी रूप में आई रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो कागजी मुद्रा है इसका वास्तविक मूल्य कागज के रूप में बहुत कम है और उस पर जो लिखा हुआ मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है, और इसको हम सांकेतिक पत्र मुद्रा के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से बैंक मनी आई। बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारे होते हैं और बैंक से जब हम मांगते हैं तो बैंक हमें दे देता है, लेकिन वास्तव में बैंक में जितनी जमाएं होती हैं उतना बैंक सदैव अपने पास नहीं रखता, उसका एक अंश ही रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैंक डिपॉजिट्स हैं या बैंक मनी है वो वास्तव में बैंकों में कम है और वो ज़्यादा एक तरह से हमको देते हैं, क्योंकि हम सब एक साथ लेने नहीं पहुँचते, इस नाते बैंक का काम इस तरह से चल जाता है। तो ऐसे स्थिति में जितनी भी डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं उनके अगेंस्ट उतनी मुद्रा बैंक अपने पास नहीं रखते हैं, और इस रूप में इनको भी हम एक तरह से क्रेडिट मनी के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से समय अभाव के कारण हमें इन्हें कम करना पड़ रहा है, अन्यत्र कहीं जहाँ जरूर हम इसे बता पाएंगे फिर से बताएंगे। तो इस प्रकार से पत्र मुद्रा को, इस प्रकार से इस मुद्रा को हम इतने रूपों में विभाजित कर सकते हैं। ये फिएट मनी है और फिडिशियरी मनी है। फिएट मनी वो मनी होती है जो एक, जैसे एक लीगल टेंडर, हम बताना हमारे पास समय कम रह गया है कि लीगल टेंडर का मतलब होता है वैध विधि मान्य या विधिग्राह्य मुद्रा, और जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी मुद्रा जिस पर सरकार की गारंटी प्राप्त है, सरकार द्वारा वो आदेशित है, सरकार द्वारा वो इशू की गई है, लीगैलिटी है, और इस रूप में मुद्रा वैधानिक है, विधिग्राह्य है। और तो विधिग्राह्य मुद्रा होती है और एक फिएट मनी होती है जो उसका वही अर्थ है कि ये सरकार द्वारा, सरकार के आदेश से ये मुद्रा है, ये लीगल है, लेकिन इसके पीछे सोने चांदी या इस तरह के कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो और इस रूप में हम मुद्रा को इस रूप में देखते हैं।